सुशीबेन शाह जी, वो कह रहे विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा में, कई जगहों पर, इन तमाम इलाकों में अगर आप जाइए, कपास की खेती, सोया की खेती करने वाले किसानों की इन मुद्दों पर चुनाव होगा। नहीं, मुद्दे काफी हैं, लेकिन हमारी महायुति सरकार नीति, नियम और विश्वास पर चलने वाली सरकार है। हम हमेशा कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, न्याय सभी के लिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलवेज सेज इन द प्रीएम्बल के जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसीलिए हमारी सारी स्कीम हर प्रकार को वर्गों के लिए है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, अभी राजनीति हो रही है, सिर्फ पवार और ठाकरे के नाम पर नहीं चलनी चाहिए। यहाँ ऐसी राजनीति हो, महायुति की राजनीति में एक चाय वाला सीएम बनता है, चाय वाला पीएम बनता है और रिक्शा वाला सीएम बनता है। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चलती है। और आगे चल के किशोर तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, यस, हमारे बलिराजा थोड़े संकट में हैं, लेकिन इसीलिए हमारी सरकार ने हमेशा ये किया है कि हमारे जीएसडीपी में पहला हक पहला हो तो हमारे अन्नदाता, हमारा बलिराजा को। इसीलिए हमने एमएसपी में 25% बढ़ाया है, हमारे फार्मर को हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है, लेकिन सोलर एनर्जी के साथ दी है कि आगे चल के ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो वो हमारे हमारे बजट में ना रिफ्लेक्ट हो। तो ये पूरा जो हमने औद्योगिक चैनल चलाई है, जो हमने राह पकड़ी है, मैं समझती हूँ महाराष्ट्र की जनता जानती है, वो जानती है कि स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए महाविनाश आगाड़ी चलेगी नहीं, महायुति ही चलेगी। 10 साल में आप मुझे बताइए, एक भी बॉक्स वोट, एक भी महाराष्ट्र की जनता ने जान खोया है क्या अपना? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप मुझे ये बताए, आपके राहुल गांधी सिर्फ कॉमिक बुक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुजलाते हैं, बांटने और बटने की बात करते हैं। और मैं आपको यही ये भी बता दूं कि ये जो हुआ है वोट जिहाद क्यों हुआ, क्योंकि लोकसभा में एक कम्युनिटी की वजह से आप जीते। धुलिया में आप सोचिए, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम प्लस में है। शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी, अब सबने आप पर जो आरोप लगाया अभय जी से लेकर किशोर तिवारी जी ने, किशोर जी तो कह रहे हैं कि आप ठीक ठीक बोलिए, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। किशोर जी की समस्या ये है कि किशोर जी आज वफादारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे जी के विचार क्या थे कि हमने विवादित ढांचे को लात मारकर मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, आज मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ वो बैठे हैं, जो सीए का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं, जो 370 को कब्र में गाड़ने का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था वैसे किशोर जी, पर आप तो राहुल गांधी को महापुरुष, पर आप तो राहुल गांधी जो सावरकर जी को गाली देते हैं उनको महापुरुष कह रहे हैं। और किशोर तिवारी जी, आपने तो औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर हो, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो, ये बात हमेशा से अपना ही होगी, मुझे तो नहीं पता क्योंकि आप तो पहले कांग्रेस में थे। अंजना जी प्लीज इंटरप्शन मत कराने दीजिए, अंजना जी फ्लो टूट जाता है, प्लीज मत कराइए। अंजना जी औरंगाबाद का संभाजी नगर जब नामकरण किया गया, कांग्रेस और एनसीपी ने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। अहिल्या नगर का विरोध किया है। तो किशोर तिवारी जी, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप कांग्रेस से उद्धव सेना में गए, आज तो उद्धव सेना कहना भी एक प्रकार से बेईमानी है। अंजना जी, इसको तो कहना चाहिए यूबीटी का मतलब है उद्धव भाईजान की तंजीम। अब आते अभय जी पर, 10 सेकंड मात्र। अभय जी को मैंने सवाल पूछा था, संभाजी नगर पर चुप, सावरकर जी पर चुप, 370 आरक्षण, जामिया एएमयू पर चुप, पर उन्होंने कहा मैंने सनातन का अपमान किया। अभय जी, आप मेरे भ्राताश्री है और उस अधिकार से, अनुज होने के अधिकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, मठाधीश माफिया होते हैं, हिंदू हिंसक, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, सर तन से जुदा के नारे, इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की चीजों को बोलने वाले और
नसीम अहमद जिसकी हिम्मत है कि वो गणेश जी पर अपनी तस्वीर लगाते, उस पर मेरे भाई अभय जी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने उनको मियां बोला तो उनको दर्द हुआ। सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके ने की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आप बताइए। ठीक है, अभय जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेट स्पीच बोला था। अभय जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ किशोर जी, उसके बाद आपकी बारी होगी। अभय जी, अभय जी। अंजना जी, एक तो मैं शिवसेना की प्रवक्ता महोदया का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने माना कि हमारे किसान भाई संकट में हैं। मतलब सत्ता में होते हुए भी ये साहस की बात है कि वो इस बात को स्वीकारते हैं, वो प्रधानमंत्री जी नहीं स्वीकारते। महाराष्ट्र के लोगों में आपसे अनुरोध करता हूं, हर वक्त आप दिखेगा नैरेटिव इनका। ये मैं कटिंग लेकर आया हूं, हाथरस के दंगे फैलाने में पीएफआई की आज तक की स्टोरी है, पीएफआई की साजिश, विदेशी 100 करोड़ की फंडिंग, जो अभी वोट जिहाद का राग अलाप रहे ना, भीमा कोरेगांव की घटना में भी यही था, बिहार में पीएफआई ने प्रधानमंत्री को मारने के लिए आतंकी साजिश, लेकिन उसका जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसको कर्नाटका में इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके चुनाव लड़ाया। इंजीनियर राशिद आरोप यह है कि जेल से छोड़े गए, जिन पर इन्होंने यूएपीए के तहत मुकदमा लगाया था, और वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर 7 सीट कश्मीर की लड़ाते हैं, तब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को याद नहीं करते। सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी, घोषित आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल में रहा, अजहर मसूद का शिष्य, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड पर स्थानीय निकाय के वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट देती है, तारिक अहमद मीर को विधानसभा का टिकट देकर लड़वाती है, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आज प्रश्न ये है कि अजीत पवार ने पूछा, अडानी जी उस मीटिंग में थे जिसमें सत्ता की सौदेबाजी हो रही थी, उसका जवाब क्या है? अमित शाह साहब, इस देश को बताइए किस हैसियत से आपके राजनीतिक दल की मीटिंगों को अडानी साहब भाग लेते हैं, ये बात आपको आज देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और आपके दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, ये महाराष्ट्र के लोगों को इस बात को समझना होगा। मैंने जो सवाल गंभीर उठाए हैं किसानों के संदर्भित विषय के, 67 विधानसभा सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उस विदर्भ और मराठवाड़ा की सीट की सोयाबीन के किसान हरा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा सोयाबीन के किसानों के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा छलावा किया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 1,828 किसानों ने आत्महत्या की है 2014 से 22 तक। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह साहब के मंत्रालय ने यह रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री जी, कौन उसका जिम्मेदार है बताइए? 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत किसने बढ़ा दी प्रधानमंत्री जी? आज आपके खुद के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 7 साल से मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं कि आप इनको इनपुट कॉस्ट पर से जीएसटी हटाइए, ट्रैक्टर पे बार के पार्ट्स पर 12-18% जीएसटी, कीटनाशक पर, खाद पर, खाद की बोरी में से 5 किलो खाद चोरी कर लिया आप लोगों ने, शर्म नहीं आई? तो ये बात जब आपके खुद के लोग उठाते हैं, खुद आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जो आप कहते थे 22 तक आमदनी दोगुनी कर दूंगा, दो हजार 2015 की तुलना में आज आज आमदनी कम। अंजना जी, शहजादी, अंजना जी, अंजना जी, देखिए अंजना जी, हाँ अंजना जी, दूसरी बार भी प्रयास करने पर उन 3-4 सवालों का जवाब अभय जी ने नहीं दिया, परंतु उन्होंने बोलते बोलते कहा कि एसडीपीआई के साथ हमारा अप्रत्यक्ष गठबंधन है, यह है हिंदू की रिपोर्ट, बंटवाल काउंसिल का प्रेसिडेंसी जीतने के लिए कांग्रेस ने ऑफिशियली एसडीपीआई का समर्थन लिया, कर्नाटका में है बंटवाल, और वहां पर जब एसडीपीआई बोलती है ना कि राम बाण वाला लैंप पोस्ट हटाओ तो ये जी जनाब करके मान जाते हैं, वो वायनाड में भी एसडीपीआई का समर्थन लेकर चुनाव लड़ते हैं, जमाते इस्लामी का, ये तो लेफ्ट बोल रही है, पर छोड़ देते हैं, मैं आना चाहता हूं किसानों पर। अभी उन्होंने बात की ना, आपको पता है अंजना जी, महाराष्ट्र के साथ इनकी तो सरकार कई वर्षों तक रही, 26 मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने काम नहीं किया। अभय जी से पूछे निलवांडे डैम प्रोजेक्ट ये कब हुआ और कब उसको शुरू किया और कब उसका आगे बढ़ने का काम हुआ। इनसे पूछिए 1 करोड़ किसानों को आज हमने किसान सम्मान निधि दी, आपने कितने किसानों को दी? आपने राजस्थान में बोला कर्ज माफी देंगे, किसानों की जमीनें लूट ली आपने, आपने 1200 किसानों की आत्महत्या करवाई है कर्नाटका में और 100 से अधिक किसान तेलंगाना में मारे गए हैं आपकी नीतियों की वजह से। आपके खुद के विधायक कर्नाटका में बोलते हैं कि किसानों के लिए हम कुछ नहीं करते, केवल विजयपुरा से हम लोग वक्फ को जमीन दे देते किसानों की। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, ये एड है अंजना जी कांग्रेस का 1980 का, इसमें लिखा है कि इंसान को इंसान की तरह यह पार्टियां नहीं देखती, यह कैक्टस की तरह देखती है, यह देखती है ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, बनिया, यह देखती है शुक्ला, शर्मा, चतुर्वेदी। अरे इंदिरा जी को भी तो आपने
त्याग दिया, जैसे उन्होंने बाला साहब को त्याग दिया, आपने इंदिरा जी को त्याग दिया। जो लोग मंडल का विरोध खड़े होकर करते हैं, राजीव गांधी जो लोग आरक्षण का 1961 में विरोध करते हैं, जो कहते हैं हम आरक्षण समाप्त करेंगे और जामिया और एएमयू में आरक्षण समाप्त किया, वो लोग आकर आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह अभय जी, अभय जी, किसानों का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो कर्नाटका या तेलंगाना मॉडल क्या कहता है, वहां पर भी किसानों की आत्महत्या बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो सवाल तो यह है कि इसी में से जनता को चुनना है, पर आपका मॉडल क्या है? छोटा सा जवाब आ रही हूँ तिवारी जी, मैं क्या करूँ, आप ही के साथ ही हैं अभय जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। जब आप ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की मेरी सरकार ने सोयाबीन 24,000 मैट्रिक टन खरीद लिया है, जबकि बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, और महाराष्ट्र में 2800 मैट्रिक टन। जातिगत जो सर्वे की सेंसस की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 2011 का हमारा जो कास्ट सेंसस का डेटा आपने हड़प लिया है उसको जारी कर दीजिए। आपने उसको ये स्वीकार किया है शपथ पत्र में, यही उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वोच्च अदालत में मुकदमा लगाया था कि वो रिपोर्ट दीजिए, तो आपने ये कह दिया कि हम तो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, किशोर तिवारी जी का अधिकार है आर्टिकल 246 में, सेवन शेड्यूल पूनावाला जी पेपर दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी कास्ट सेंसस के खिलाफ थे, कास्ट सेंसस के खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे। मैं बाला साहब ठाकरे जी के विचार उस वक्त के लिए वो ठीक थे मैं बता रहा हूँ, अभी उद्धव जी ने कल ही बताया। एक बार हो जाने दीजिए, 75 साल हो गए, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया ये सब हो जाने दीजिए, एक बात। दूसरी बात शहजाद, तो मैं तुमको मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। अगर ये महाराष्ट्र में आज भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कपास खरीद ले और नाफेड से सोयाबीन खरीद ले मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो बीजेपी को वोट मिल सकेंगे। दूसरा, मैं तुसीबेन शाह को कहता हूँ और अजीत पवार जी के लिए भी कहता हूँ कि 23 तारीख को 4 बजे इनका पॉलिटिकल एंड हो जाएगा। मेरी आज ही तुम्हारे को मेरी श्रद्धांजलि, मैं सुन लो, अरे क्या बता रहे हो, अरे भाई पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। हाँ, पहले लोग कांग्रेस को वोट देते थे, फिर मोदी को दिए, अब फिर कांग्रेस को दे रहे। बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? अरे नहीं, एक सेकंड किशोर जी, बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? यही तो मैं बोल रहा हूँ, विचारधारा जिहाद है बच्चों को, यही विचारधारा जिहाद है। तो बड़े आदमी बात बीच में, बच्चे नहीं बोलते, बीच में और बच्चों को बोला, पूरा करने दीजिए, पूरा कीजिए। हाँ, मैं पूरा कर लेता हूँ, मैं पूरा कर लेता हूँ। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ कि किसान विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और खानदेश की आत्महत्या कर रहे हैं, ये गंभीर मसला है। और मैं अभय दुबे जी को साधुवाद दूंगा कि भोपाल में रहते हुए महाराष्ट्र पे इतनी क्लासिक स्टडी कर वो बात कर रहे हैं। और मैं शहजाद पूनावाला, तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम इस बात के लिए तुम्हारे ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पैरवी पे काम करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सोयाबीन के लिए रिकमेंडेशन दिए उसको फॉलो करो। बहस तो होती रहेगी, बहस तो अपन चुनाव के बाद भी करेंगे, लेकिन तुमको यहाँ का मराठी मानूस बख्शेगा नहीं। अडानी से बहुत घबराए है भैया, पूरी बम्बई की जमीन ले ले रहे, और ये हमारे को 200 करोड़ आए बोल रहे, और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के अंदर से अडानी एनर्जी और अनाडी पोर्ट से 3,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुए हैं। ठीक है, अरे सुजी बेंशा, दुबे जी मुझे सिर्फ इतना बता दे महाराष्ट्र की जनता को कि कांग्रेस का क्या विचार है 370 पर, खारिज होना चाहिए कि चलना चाहिए। मुझे ये भी बता दीजिए कि उलेमा ने जो पत्र लिखा था
10% रिजर्वेशन मांगा था नाना पटोले और सुप्रिया जी ने कहा कि भैया हम उसके पर जरूर विचार करेंगे, हमारी सरकार आई तो जरूर होगा। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत नहीं कर रहे हो? रिलीजन के बेसिस पर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उस पर जवाब दीजिए। दूसरी बात अदानी की, आप मुझे ये बताइए उद्धव ठाकरे जी ने टेंडर दिया था अदानी को, आगे कोई सीलिंग के कोई कंपनी थी उसका टेंडर स्क्रैप करके अदानी को टेंडर देने वाले? तिवारी जी लगातार मत बोला कीजिए। नंबर वन, नंबर टू, रुके, वो बोलेगी फिर आप बोलना। जमीन, एक भी इंच जमीन अदानी को दी नहीं गई है धारावी प्रोजेक्ट के लिए। देयर इज अ 50-50% पार्टनरशिप, धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑल लैंड उसके पास है। और दूसरी बात, हमने टीडीआर को कैप किया है, आपकी सरकार का टेंडर था, उद्धव ठाकरे की सरकार का टेंडर था, 350 स्क्वायर फीट जगह देने का वादा आपने किया था। ये जो आप बता रहे हैं ना कि जो कंपनी पलायन कर गई, कह रहे किशोर जी फॉक्सकॉन हो, किशोर जी हो, क्योंकि आप ही कथा कह रहे हैं फॉक्सकॉन हो तो धारावी हो तो छोटी टिप्पणी सरकार गिरा दी, ढाई साल से इनकी सरकार है, अगर हमने कोई गलत किया तो इनको। अबे दुबे जी, दो दो लाइन का कमेंट का टाइम बचा है। अबे जी दो लाइन, उसके बाद शहजादी आ रही है। अबे जी दो लाइन, देखिए उन्होंने बिल्कुल दो लाइन में जवाब देता हूं। जाति का चलेगा जोर, महाराष्ट्र की जनता हमसे महाराष्ट्र की जनता हमसे पूछ रही है, उसका जवाब हमने दिया कि हाँ किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, जिन किसानों ने कर्ज भरा है उनका 50,000 रूपए उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। शहजादी सिर्फ दो लाइन, सिर्फ दो लाइन, टाइम खत्म हो गया शहजादी जल्दी। अंजना जी, मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया किशोर जी ने और उद्धव जी ने, पर हम उनके विचारों को लेकर चलेंगे। उन्होंने बोला बाला साहेब ठाकरे जी के विचार पुराने हो गए, इसलिए हम अब चटाई लगाकर हम लोग वोट बैंक के लिए सारी चीजें करेंगे, परंतु हम लोग उनके विचारों पर नहीं चलेंगे। किशोर तिवारी ने बोला ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे।